स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कशन करेंगे जेनेटिक डिसऑर्डर के संबंध में, यानी कि जीन से रिलेटेड जो भी डिसऑर्डर होते हैं उसको कहते हैं जेनेटिक डिसऑर्डर। और जेनेटिक डिसऑर्डर को हम दो ग्रुप में इसको बांटते हैं, कैटेगराइज करते हैं। एक है मेंडेलियन डिसऑर्डर, जो कि जिसका ट्रांसमिशन जो है मेंडल के प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं, उसके अनुसार उसका इनहेरिटेंस होता है। और दूसरा है क्रोमोजोमल डिसऑर्डर, यानी कि क्रोमोजोम में कमी के कारण या हमने कोई क्रोमोजोम का अब्सेंस के कारण या एक्सेस होने के कारण इस तरह के डिसऑर्डर होते हैं। अब हम लोग चर्चा करते हैं मेंडेलियन डिसऑर्डर के संबंध में। तो इसमें ये क्या है कि इट अकर्स ड्यू टू चेंज इन सिंगल जीन, किसी एक जीन में परिवर्तन होने के कारण इस तरह के डिसऑर्डर होते हैं। दूसरा क्या है पॉइंट इसमें महत्वपूर्ण, दीज डिसऑर्डर्स मे बी डोमिनेंट और रेसेसिव, ये डोमिनेंट भी हो सकते हैं इस तरह डिसऑर्डर और रेसेसिव भी हो सकते हैं। इसके बाद दीज डिसऑर्डर्स आर ट्रांसमिटेड अकॉर्डिंग टू मेंडेलियन प्रिंसिपल्स ऑफ हेरिडिटी, मेंडल ने जो इनहेरिटेंस का प्रिंसिपल दिया है, सिद्धांत दिया है, उसी को इसका ये इस जीन का या इस तरह की डिसऑर्डर जो होते हैं इसका ट्रांसमिशन वन जनरेशन से दूसरे जनरेशन में यानी पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग में मेंडेलियन प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं। अब देखते हैं टाइप ऑफ मेंडेलियन डिसऑर्डर। मेंडेलियन डिसऑर्डर जो है दो तरह के होते हैं, एक सेक्स लिंक्ड, यानी कि इस तरह के जो जीन होते हैं वो सेक्स क्रोमोजोम के द्वारा कैरी किए जाते हैं, जैसे कि इसमें आपको हीमोफीलिया है और कलर ब्लाइंडनेस, यही दो सेक्स लिंक्ड डिजीज जो है आपके सिलेबस में दिया हुआ, इसी के विषय में स्टडी करना। और दूसरा है कि ऑटोसोमल, यानी कि ऑटोसोम्स जो ऑटोजोमल क्रोमोजोम्स होते हैं उसके द्वारा इस तरह के क्या कहते हैं जीन का क्या होता है ट्रांसमिशन होता है, इनहेरिटेंस होता है। और इसमें आते हैं सिस्टिक फाइब्रोसिस, सिकिल सेल एनीमिया, फिनाइल केटोनूरिया एक्सेट्रा। तो ये वह अब हम लोग देखेंगे सेक्स लिंक्ड डिजीज के संबंध में। अब हम लोग चर्चा करते हैं पहले सेक्स लिंक्ड डिजीज के विषय में, जैसे ये हीमोफीलिया है। हीमोफीलिया ऐसा डिसऑर्डर है जिसमें किसी अगर कोई व्यक्ति इसे सफर कर रहा है तो थोड़ा सा भी अगर कटता है उसका कोई इंजुरी होता है स्मॉल इंजुरी भी तो लगातार ब्लड उसका बहते रहता है, ब्लीडिंग कंटिन्यू रहता है और इस तरह से शरीर का सारा खून निकल जाता है और खून के अभाव में, रक्त के अभाव में, ब्लड के अभाव में उस व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है। ऐसा इसलिए होता है कि उसमें जो ब्लड क्लॉटिंग का नेचुरल नॉर्मल प्रोसेस है वैसा नहीं होता है, उसमें डिलेड होता है ब्लड क्लॉटिंग। तो ये क्या है कि एक रेसेसिव जीन के कारण ये होता है और वो एक्स क्रोमोजोम के द्वारा कैरी किए जाते हैं। और ये यूजुअली इसमें मेल्स प्रभावित होते हैं क्योंकि फीमेल में अगर एक दो एक्स क्रोमोजोम होते हैं और एक्स क्रोमोजोम के द्वारा ही ये कैरी होते हैं, तो जब एक क्रोमोजोम पे होता है उसका हीमोफिलिक जीन तो दूसरा पे नॉर्मल जीन होता है, जैसा कि बताया कि ये रेसेसिव होता है और दूसरा जो एक्स क्रोमोजोम फीमेल में है उस पर नॉर्मल जीन होते हैं और वो डोमिनेंट होते हैं और वो उसको काउंटर बैलेंस करते हैं, उसके प्रभाव को एक्सप्रेस करने नहीं देते हैं। तो इस स्थिति में जब एक एक्स क्रोमोजोम पे फीमेल में ये हीमोफिलिक जीन होता है तो वो कैरियर के रूप में काम करती है तो वो नॉर्मल रहती है, लेकिन मेल में क्या है एक एक्स क्रोमोजोम है और एक वाई क्रोमोजोम है, तो एक ही एक्स क्रोमोजोम पर अगर ये होता है, क्योंकि वाई क्रोमोजोम पर
ये हीमोफीलिया का नॉर्मल जीन होता नहीं, वो उसको कॉन्डर बैलेंस नहीं कर पाता है, इसलिए जब एक ही एक्स क्रोमोसोम उसमें होता ही है उस पर जब हीमोफीलिक जीन होगा तो वो एक्सप्रेस करेगा, क्योंकि उसको कॉन्डर बैलेंस करने वाला दूसरा एक्स क्रोमोसोम है नहीं, उसमें वाई है, उस पर कोई जीन होता नहीं उसको कॉन्डर बैलेंस करने वाला। तो मेल में जब एक ही क्रोमोजोम पर हीमोफिलिक जीन होगा तो वो मेल जो होगा हीमोफिलिक होगा, फीमेल भी हीमोफिलिक हो सकता है तब जब दोनों एक्स क्रोमोजोम पे ये हीमोफिलिक जीन होगा, उस स्थिति में ये लीथल होता है, इसकी मृत्यु हो जाएगी जन्म के पहले ही यूजुअली। तो ऐसा है, और इसमें देखते हैं क्या क्या मुख्य बातें हैं। इट इज अ सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज, यानी कि सेक्स क्रोमोजोम के द्वारा ये कैरी किए जाते हैं। दी जीन ऑफ हीमोफीलिया इज कैरीड बाय एक्स क्रोमोजोम। इन दिस डिसऑर्डर ब्लीडिंग इज कंटिन्यूड इवन अ सिंपल कट बिकॉज सफरिंग पर्सन डज नॉट पजेस द नॉर्मल फिनोमेनन ऑफ ब्लड क्लॉटिंग। नेक्स्ट पॉइंट, इट अकर्स ड्यू टू अ रिसेसिव जीन। रिसेसिव जीन के द्वारा क्या होता है, मोर मेल्स देन फीमेल्स सफर फ्रॉम दिस डिसऑर्डर एज दे हैव ओनली वन एक्स क्रोमोजोम वेयर एज फीमेल्स हैव टू एक्स क्रोमोजोम। नेक्स्ट पॉइंट, हेटरोजाइगस फीमेल, मतलब कि एक एक्स क्रोमोजोम पर होगा एक पर नहीं होगा, तो हेटरोजाइगस फीमेल इज कैरियर ऑफ दिस डिसऑर्डर। नेक्स्ट पॉइंट, अ फीमेल इज हीमोफिलिक ओनली व्हेन इट्स बोथ एक्स क्रोमोजोम्स कैरी हीमोफिलिक जीन्स लाइक एक्स एच एच फॉर यहाँ पे हीमोफिलिक जीन है। फिर इसका एग्जाम्पल पाया जाता है क्वीन विक्टोरिया जो इंग्लैंड की महारानी थी, वो कैरियर थी और वो उसके से जीन उसके सन में गया, तो ये कैरियर थी और ये रेयर पाए जाते हैं डिजीज। अब हम इन लोगों का बेस केस देखते हैं कि अगर कोई कैरियर फीमेल किसी नॉर्मल मेल से डिफरेंट कैसे, जो अगर मैरिड कर ये उसके साथ शादी करता है तो उसके बच्चे में कैसे ये इनहेरिट होता है। अब यहाँ पर हम लोग एक केस देखते हैं कि अगर कैरियर फीमेल हो, कैरियर मतलब क्या हुआ, उसके एक ही एक्स क्रोमोजोम पे ये हीमोफिलिक जीन है, एच जो दिए हैं ये इसका ये सिंबॉल है हीमोफिलिक जीन का, एच फॉर हीमोफिलिक। यहाँ पे कैरियर फीमेल है और नॉर्मल मेल है, जिसमें दो गैमेट बनेंगे दो तरह का, एक एक्स और दूसरा एक्स एच, और नॉर्म इसमें मेल में एक एक्स एक वाई। अब परनेट स्क्वायर की तरह दूरा क्रॉस करते हैं कि क्या इसका परिणाम हुआ। अगर एक कैरियर फीमेल एक नॉर्मल मेल से शादी करती है, उसका बच्चा कैसा होगा, तो यहाँ पे आप ले लिए क्या कहते हैं, ये मेल का सिंबल है एक्स वाई और ये फीमेल का, तो एक्स इससे क्रॉस कराए एक्स एक्स आएगा, ये नॉर्मल फीमेल आएगा, और यहाँ पर फिर एक्स वाई से क्रॉस करेगा तो ये नॉर्मल मेल आएगा, और यहाँ फिर ये जो फीमेल जो है जो क्रोमोजोम जिसपे कि हीमोफिलिक जीन है वो मेल के नॉर्मल एक्स क्रोमोजोम वाले क्या कहते हैं स्पर्म से अगर क्रॉस करेगा तो यहाँ पर जो क्या होगा जीनोटाइप एक्स एक्स एक्स, ये कैरियर फीमेल होगी, और फिर ये एक्स जो कैरी कर रहा है हीमोफिलिक जीन को ये मेल के वाई क्रोमोजोम से अगर मिलता है, यानी कि इसका जो ओवम है उसमें एक क्रोमोजोम पे हीमोफिलिक जीन है, और ये जो क्या कहते हैं स्पर्म है उसमें कि ये वाई क्रोमोजोम है तो उससे मिलेगा तो एक्स एच वाई बनेगा, क्योंकि इसमें दोनों में एक में एक्स है एक वाई क्रोमोजोम है, दूसरा इसमें एक्स क्रोमोजोम है नहीं जिस पर नॉर्मल जीन है नहीं, वो काउंटर बैलेंस कर नहीं सकता, तो एक ही क्रोमोजोम पर अगर ये हीमोफिलिक जीन है ये मेल हीमोफिलिक हो जाएगा। अब हम लोग दूसरा केस देखते हैं। अब दूसरा केस देखते हैं, जब कैरियर फीमेल हो और हीमोफिलिक मेल हो, तो इसमें दो बनते हैं, ये आपका फीमेल में ओवम और एक में एक्स होगा और एक में एक्स एच होगा, ये
और ये हिमेल, ये हिमोफिलिक मेल भी है जिसमें भी एक्स एच और वाई। अब इसमें पंडित स्क्वायर में इसको क्रॉस ग्राफ देखते हैं। देखिए ये क्या करते हैं, एक नॉर्मल एक्स क्रोमोजोम है फीमेल का और ये मेल में चूंकि ये हिमोफिलिक है इससे मिलता है तो एक्स एक्स एच ये होगा, ये कैरियर फीमेल हो जाएगा। फिर ये एक्स फीमेल का मेल के वाई से मिलेगा तो एक्स वाई ये नॉर्मल मेल होगा। फिर दूसरा जो ये एक्स कैरियर भी क्या करते हैं क्रोमोजोम है ये मिलता है मेल के जिस जो हीमोफिलिक जीन को कैरी कर रहा है एक्स एच एक्स एच हो जाएगा, ये हो जाएगा हीमोफिलिक फीमेल और ये लीथर होगा, ये सर्वाइव नहीं कर पाएगा। और यहाँ पे क्या कहते हैं फिर एक्स एच जो है फीमेल का कैरियर जो क्रोमोजोम है वो मिलेगा ये मेल के वाई क्रोमोजोम से, इस पर ये हीमोफिलिक मेल है क्योंकि इसमें दूसरा एक्स क्रोमोजोम है नहीं जो इसको कंट्रोल बैलेंस करेगा। तो इसमें क्या हो गया, जब कैरियर फीमेल हो और हीमोफिलिक मेल हो तो ये देखिए 50% मेल जो है वो नॉर्मल है और 50% हीमोफिलिक है। और इसमें क्या कहते हैं फीमेल में एक कैरियर है और ये हीमोफिलिक है। अब हम लोग दूसरा केस देखते हैं, अब तीसरा केस हम लोग देखते हैं, ये तीसरा केस है। इसमें देखते हैं नॉर्मल फीमेल है और हीमोफिलिक मेल है, यानी कि कोई नॉर्मल फीमेल जो है गर्ल्स अगर शादी करती है हीमोफिलिक मेल से तो क्या होगा उसके बच्चों की स्थिति। तो देखते हैं यहाँ पे दो गैमेट बना, नॉर्मल का एक्स एच और इसमें एक में एक्स एच है दूसरा वाई जो है। अब इसको यहाँ पर देखते हैं कि क्रॉस कराते हैं, यहाँ पर एक दोनों मेल का दोनों एक्स क्रोमोसोम नॉर्मल है और ये सॉरी फीमेल का नॉर्मल है और मेल में एक एक्स क्रोमोसोम पे हीमोफिलिक जीन है। तो ये एक्स एक्स ये हो गया एक्स और एक्स एच ये कैरियर फीमेल हो गया और यहाँ फिर ये नॉर्मल है एक्स क्रोमोसोम फीमेल का और वाई से ये फ्यूज करता है तो ये क्या करते हैं नॉर्मल मेल हो। अब यहाँ पर फिर एक्स क्रोमोसोम इसमें नॉर्मल है तो फीमेल का एक्स क्रोमोसोम और ये जो मिलेगा ये मेल के एक्स क्रोमोसोम से उस पर क्या है ये हीमोफिलिक जीन है। तो एक पे आ जाएगा इसमें एक्स ये नॉर्मल है एक्स एक्स ये कैरियर फीमेल को और फिर ये एक्स वाई से मिलेगा एक्स वाई नॉर्मल मेल हो। तो जब नॉर्मल फीमेल हो और मेल हीमोफिलिक हो तो उसके दोनों जो फीमेल चाइल्ड है वो होगा क्या कहते हैं आपका कैरियर और दोनों मेल जो होगा वो होगा नॉर्मल। ये और भी केस आप देख सकते हैं, इसके बाद हम लोग दूसरे सेक्स लिंक डिजीज देखेंगे कलर ब्लाइंडनेस। अब हम लोग देखते हैं कलर ब्लाइंडनेस, ये भी एक क्या है सेक्स लिंक डिजीज है और कलर ब्लाइंडनेस का भी जीन एक्स क्रोमोसोम के द्वारा कैरी होते हैं और ये रिसेसिव होते हैं। और इसमें जैसे है इट इज रिसेसिव सेक्स लिंक डिजीज, द जीन ऑफ दिस ऑर्डर इज कैरीड बाय एक्स क्रोमोसोम। नेक्स्ट पॉइंट है इन दिस डिजीज सफरिंग पर्सन कैन नॉट डिस्टिंग्विश रेड एंड ग्रीन कलर। जिस जो पर्सन कलर ब्लाइंडनेस से सफर कर रहा है यानी जिसको कलर ब्लाइंडनेस का डिसऑर्डर है डिजीज है वो व्यक्ति लाल और हरे रंग में अंतर नहीं कर पाता। और इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट कलर ब्लाइंडनेस अपीयर्स इन फीमेल व्हेन द बोथ एक्स क्रोमोसोम्स कैरी जीन ऑफ कलर ब्लाइंडनेस। फीमेल में ये तभी होगा कलर ब्लाइंडनेस जब उसके दोनों एक्स क्रोमोसोम पर कलर ब्लाइंडनेस के जीन हो। अगर उसमें एक एक्स क्रोमोसोम पे कलर ब्लाइंडनेस का जीन होता है तो कैरियर होता है नॉर्मल तरह बिहेव करता है क्योंकि उसके दूसरे एक्स क्रोमोसोम पे नॉर्मल जीन होता है जो डोमिनेंट होता है और वो कलर ब्लाइंडनेस जीन को अपना एक्सप्रेशन प्रकट करने नहीं देता, प्रभाव प्रकट करने नहीं देता, इसलिए वो नॉर्मल तरह बिहेव करती है। और जिसे हेट्रोजाइगस फीमेल इज कैरियर बिकॉज अदर एक्स क्रोमोसोम ऑफ फीमेल कंटेंस नॉर्मल जीन विच इज डोमिनेंट। ये मुख्य बातें हैं। अब इसके केस देखते हैं,
कि अगर नॉर्मल हो मेल और कैरियर हो फीमेल तो उसके बच्चे कैसे होंगे। दूसरा केस, ये केस देखते हैं इसमें, अगर कोई कैरियर फीमेल है और नॉर्मल मेल से शादी करती है तो उसके बच्चे कैसे होंगे। तो कैरियर मतलब हुआ एक एक एक्स क्रोमोजोम पर डबल ब्लाइंडनेस का जीन है जिसको सी के द्वारा हम दिखा रहे हैं, और ये नॉर्मल है तो इसको एक्स वाई दिखा रहे हैं, और दो गैमेट बना एक्स एक एक्स सी, और यहाँ पर ये दोनों नॉर्मल है तो एक्स और वाई है। अब यहाँ क्रॉस कराए एक्स एक्स यहाँ पर, तो ये एक्स एक्स हुआ इसका मतलब नॉर्मल फीमेल हुआ, और ये फिर वाई से क्रॉस किया तो ये मिला इससे एक्स वाई नॉर्मल, यहाँ पर मेल हुआ, और फिर यहाँ पर ये जो एक्स सी है यानी कि जिसपे क्लब ब्लाइंडनेस का जीन है ये नॉर्मल एक्स क्रोमोसोम से मिलता है मेल के, तो एक्स एक्स ये कैरियर फीमेल होगा, और यहाँ पर फिर एक्स ये वाई से मिलेगा जिस पर एक्स क्रोमोसोम जिस पे क्लब ब्लाइंडनेस का जीन है, तो एक्स सी वाई यानी कि क्लब ब्लाइंडनेस मेल होगा। इसका कहने का मतलब है कि अगर कोई कैरियर फीमेल नॉर्मल मेल से शादी करती है तो उसके एक लड़की जो है वो नॉर्मल होगी और एक लड़की कैरियर होगी, और लड़का एक नॉर्मल होगा और एक क्लब ब्लाइंड नेस्ट होगा। अब दूसरा केस हम लोग देखते हैं, अब दूसरा केस देखते हैं, इसमें कैरियर फीमेल है, कैरियर जो जो जिसके एक वैसा फीमेल जिसके एक एक्स क्रोमोसोम पे क्लब ब्लाइंड नेस का जीन हो और ये शादी करती है क्लब ब्लाइंड नेस मेल से, तो किसके गैमेट एक्स एक्स सी बनेगा, और ये इस पे भी आपको एक्स सी बनेगा। अब इसके दोनों गैमेट यहाँ पर क्रॉस कराते हैं, मिड स्क्वायर में देखते हैं, ये एक्स एक्स सी से मिलता है तो कैरियर फीमेल बनेगा, ये एक्स ये नॉर्मल वाई का जो उससे मिला ये नॉर्मल मेल बनेगा, फिर यहाँ एक्स सी जो जिसपे क्लब ब्लाइंड का जीन है इससे मिलता है, इस पर भी क्लब ब्लाइंड का जीन है, तो एक्स सी एक्स सी ये क्लब ब्लाइंडनेस फीमेल बनेगा, और इसमें ये लीथल नहीं होता है जैसा कि हीमोफिलिक में देखे थे फीमेल में। तो फिर ये एक्स सी वाई से मिलता है तो ये क्या कहते हैं क्लब ब्लाइंडनेस मेल हो जाएगा, यानी अगर कैरियर फीमेल एक क्लब ब्लाइंडनेस मेल से शादी करती है तो उसके बच्चे जो होंगे एक फीमेल जो होगा कैरियर एक होगा, एक क्लब ब्लाइंडनेस होगा, मेल एक नॉर्मल होगा और एक क्लब ब्लाइंडनेस होगा। अब हम लोग तीसरा केस देखते हैं कि अगर नॉर्मल फीमेल हो मतलब दोनों एक्स क्रोमोसोम पे किसी पे दोनों में से किसी पे क्लब ब्लाइंडनेस का जीन नहीं हो और ये क्लब ब्लाइंडनेस मेल है यानी कि एक इसकी जो एक्स क्रोमोसोम है उस पर क्लब ब्लाइंडनेस का जीन है, और क्रॉस कराते हैं ये दो तरह गैमेट बना एक्स एक्स यहाँ पर एक्स ये वाई, तो एक्स एक्सी से कराए यहाँ पर सी है एक्स एक्स सी ये कैरियर फीमेल होगी, ये फिर वाई से मिला एक्स वाई ये नॉर्मल मेल हो गए, फिर यहाँ पे नॉर्मल ये भी है एक्स क्रोमोसोम इससे मिला, इस पर एक जो मेल का एक्स क्रोमोसोम उस पर क्लब ब्लाइंडनेस का जीन है तो एक्स एक्स ये मिला कैरियर फीमेल, और ये फिर मिला वाई से एक्स वाई नॉर्मल ये मेल हुआ। इस तरह से अगर नॉर्मल फीमेल क्लब ब्लाइंडनेस मेल से शादी करती है तो उसके एक फीमेल कैरियर दोनों कैरियर होंगे और मेल चाइल्ड में एक नॉर्मल दोनों नॉर्मल होगा फीमेल दोनों कैरियर होगा। तो यहीं पे ये आपका सेक्स लिंक्ड डिजीज समाप्त होता है, दूसरे दिन हम इसके दूसरे पार्ट को रिमेनिंग पार्ट जो है उसको शुरू करेंगे और उसमें ऑटोसोमल और क्रोमोसोमल डिसऑर्डर की चर्चा करेंगे। थैंक यू।